आज का हमारा टॉपिक है एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम ये भी एक रैम की टाइप में आती है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो डी रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आज हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे कि एस रैम और डी रैम क्या होता है। एस रैम वॉज इन्वेंटेड इन 1964 बाय जॉन चिमिट एट फेयर चैट सेमी कंडक्टर। इट वॉज अ 64 बिट एमओएस पी चैनल। एस रैम हमारे पास एस रैम इन्वेंटेड हुआ था 1964 मिस्ट ने, और ये 64 बिट मेटल ऑफ एमओएस होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये 64 बिट में हुआ था। एस रैम रिक्वायर्स मोर ट्रांजिस्टर पर बिट टू इम्प्लीमेंट। इट इज़ लेस डेंस एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम एंड ऑल्सो हैज़ अ हायर पावर कंजप्शन ड्यूरिंग रीड और राइट एक्सेस। द पावर कंजप्शन ऑफ एस रैम वेरियस वाइडली डिपेंडिंग हो ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज एक्सेस। हमारे पास एस रैम होता है, ये रिक्वायर्ड करता है मोर ट्रांजिस्टर पर बिट टू इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास एस रैम रिक्वायर करता है कि आपके पास मोर ट्रांजिस्टर्स होने चाहिए, और ये लेस डेंस होता है और मोर एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू डी रैम। आगे हम डी रैम के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि जो हमारे पास एस रैम होता है ये मोर एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, और इसकी जो पावर कंजप्शन होती है ये हायर होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम ड्यूरिंग रीड और राइट एक्सेस, यानी कि रीड और राइट के दरमियान जो एक्सेस के दरमियान जो इसकी पावर कंजप्शन होती है वो हायर होती है। और इसके अलावा जो एस रैम होता है वो वेरियस वाइडली डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज़ एक्सेस, ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सेस कितनी फ्रिक्वेंटली है। एस रैम इस टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया, जो हमारे पास एस रैम होती है ये टाइप है आप एक रैम की डेट यूज लैचिंग सर्किट फ्लिप फ्लॉप टू स्टोरेज बिट। एस रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज रिमूव्ड। हमारे पास जो एस रैम होता है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, और उसके अलावा जो इसकी जब इसकी पावर रिमूव्ड हो जाती है ऑफ हो जाता है तो ये अपना डाटा लॉस कर देता है। द टर्म स्टैटिक डिफरेंशिएट एस रैम फ्राम डी रैम विच मस्ट बी पीरियडिकली रिफ्रेश्ड। एस रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर अ कैश एंड इंटरनल रजिस्टर ऑफ सी पी यू। हमारे पास जो एस रैम है वो डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट हुआ है डी रैम से, और इसके अलावा जो एस रैम है वो ये फास्टर है और मोर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, यानी कि जो हमारे पास एस रैम वो फास्ट है, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है जो आपकी कैशी है, और इसके अलावा जो इंटरनल रजिस्टर होता है सीपीयू में उसमें एस रैम यूज़ होती है। उसके बाद है डी रैम। डी रैम इन 1985 में जॉर्डन मोर डिसाइडेड टू विदड्रा इंटर फॉर प्रोड्यूसिंग डी रैम बाय 1986 ऑल यूनाइटेड स्टेट्स चिप्स मेकर्स हैड स्टॉप मेकिंग डी रैम। उसमें हमारे पास एस डी रैम है ये 1986 में विड्रा हुई थी, और जिसके में बनाने वाले थे यूनाइटेड स्टेट चिपर्स मेकर्स स्टॉप मेकिंग डी रैम, ने डी रैम बनाना स्टॉप कर दिया इन 1985 व्हेन UK64K डी रैम मेमोरी चिप्स वर द मोस्ट कॉमन मेमोरी चिप्स यूज इन कंप्यूटर। जो हमारे पास 64K के जो हमारे पास डी रैम मेमोरी होती है वो चिप्स होती है जो ज़्यादातर मेमोरी में चिप्स में यूज़ हुई है, और मेरे कंप्यूटर की मेमोरी चिप्स में सॉरी चिप्स में यूज़ हुई है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ये भी हमारे पास क्या है एक सेमी कंडक्टर्स की टाइप्स है। डेट स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा इन मेमोरी सेल, जो स्टोर करता है ईच बिट ऑफ डाटा इन मेमोरी सेल में, जो आपका ईच बिट डाटा होता है वो आपके यानी कि मेमोरी सेल में स्टोर करता है। यूजली कंसिस्ट ऑफ टाइनी रजिस्टर कैपेसिटर और रजिस्टर, यानी कि जो कंसिस्टिंग होती है टाइनी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, लेकिन जो एस रैम होता है वो मोर कैपेसिटर यानी कि रजिस्टर से रिक्वायर करता है, लेकिन डी रैम टाइनी रजिस्टर और कैपेसिटर रिक्वायर करता है। मोर टिपिकल बेस्ड ऑन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज विच वाइल मोस्ट डी रैम मेमोरी सेल डिज़ाइंस यूज अ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। जो हमारे पास बहुत यानी कि जो हमारे पास एस रैम और डी रैम दोनों यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, जो हमारे पास मेमोरी सेल्स डिज़ाइन हुआ है
वो भी कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है। इसके अलावा डी रैम यूज़ इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि जो हमारे पास डी रैम होती है वो मेन मेमोरी में यूज़ होती है, लेकिन एस रैम रजिस्टर कैसे में यूज़ होती है। डी रैम टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स वैन विच कैन एक्सेस कंसिस्ट ऑफ डोजन्स टू बिलियंस ऑफ डी रैम मेमोरी सेल्स। डी रैम चिप्स आर वाइडली यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर लो कॉस्ट एंड हाई कैपेसिटी कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारे पास डी रैम होती है ये हमारे पास लो कॉस्ट होती है और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है, यानी कि ये वाइडली यूज़ होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, और इसके अलावा जो इसकी हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स होती है ये रिक्वायर होती है, और ये कंसिस्ट करती है डोजन्स टू बिलियंस ऑफ डी रैम मेमोरी सेल्स, यानी कि ये बिलियंस ऑफ डी रैम मेमोरी सेल्स पे कंसिस्ट करती है। और हमारे पास यानी कि एस रैम होती है वो किस लिए यूज़ होती है, कैशी और इंटरनल रजिस्टर के लिए यूज़ होती है, और हमारे पास जो डी रैम होती है वो मेन मेमोरी में यूज़ होती है, और इसके अलावा ये वाइडली यूज़ होती है एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो इसकी कैपेसिटी होती है वो लो कॉस्ट होती है, जो एस रैम है उसकी कॉस्ट हाई होती है, और ये इसमें यानी कि और जो उसकी एस रैम उसकी पावर कंजप्शन की हाई होती है। और सो आज हमने एस रैम और डी रैम में कुछ शॉर्ट एक्सप्लेन किया है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।